गुजरात टाइटंस को सीजन की दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स ने उन्हें 8 विकेट से हराया। इस हार के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हार्दिक ने मैच के बाद कहा, जाहिर तौर पर हम बेस्ट के करीब भी नहीं थे। 170 रन यहाँ आइडियल स्कोर होता, लेकिन हमने लगातार विकेट्स गवाए और रिदम नहीं हासिल कर सके। मुझे पहले बैटिंग करने के अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमें खुद को कठिन हालात में डालना था जहां हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें। हम चेस करते हुए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम ये पक्का करना चाहते थे कि हम अपने बैटर्स को अंडर प्रेशर डाल सकें, जिससे जब वक्त आए और हमें पहले बैटिंग करनी पड़े तो हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। ये एक एक्सरसाइज थी जिसे हम ट्राई करना चाहते थे। हार्दिक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता था कि नई बॉल शायद कुछ कर सकती है, लेकिन हम लगातार विकेट्स गवाते रहे। अगर आप विकेट्स गवाते रहते हैं तो हालात से कोई मतलब नहीं है, आपकी बैटिंग हमेशा ही अंडर प्रेशर रहेगी। हमें वो शुरुआत नहीं मिली जो हम चाहते थे, लेकिन मैं इस हार को एक सीख के रूप में लूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, पहले बैटिंग करने की कोशिश करनी होगी और कुछ टोटल्स भी खड़े करने होंगे। हार्दिक ने आगे कहा कि जब उनकी टीम जीत रही थी तब भी वो लोग और बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। हार्दिक ने कहा, यहाँ तक कि जब हम जीत भी रहे थे तब भी हम लगातार बेहतर होने की बातें कर रहे थे। हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ चीजें हमारे पक्ष में नहीं गई और अगले गेम के लिए बेहतर होने पर फोकस करेंगे। हमारे पास बहुत वक्त नहीं है, हमें फिर से साथ खड़ा होना होगा। हारना खेल का हिस्सा है। मैच की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग चुनी, लेकिन उनका ये फैसला सही नहीं साबित हुआ। साई सुदर्शन के नॉट आउट 65 रन की मदद से टीम किसी तरह 143 रन तक ही पहुंच पाई। पंजाब के लिए कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट निकाले। जवाब में पंजाब ने पूरे 4 ओवर बाकी रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। पंजाब के लिए शिखर धवन ने नाबाद 62, भानुका राजपक्षा ने 40 और लिविंगस्टन ने नाबाद 30 रन बनाए। इस जीत के बाद पंजाब की टीम अब पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। ये खबर आपके लिए लिखी है सूरज ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।